बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 12 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 9:47 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, सुबह 11:27 तक, इसके बाद पूर्वाषाढ़ा। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर के 3 से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बात करते हैं मेष राशि के दैनिक राशिफल की। आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। परिवार में खुशहाली की संभावनाएं भी फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रही हैं। इस समय आपके लिए यात्रा के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थकान हो सकती है, शरीर दर्द हो सकता है। अपने वाणी पर, अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखिए, क्रोध में चीजों को खराब मत करिए। हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा, आपका गुड लक बढ़ेगा। शुभ रंग होगा आपका आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी पहले से ज्यादा बेहतर दिख रही है, और धन लाभ के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं। दूसरों के चक्कर में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इससे बचें वरना आने वाले समय में मुश्किल होगी। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि के दैनिक राशिफल की। आपके करियर में सुधार के संकेत फिलहाल दिख रहे हैं, और धन के लिए अगर आपने कोई प्रयास किया है तो वो प्रयास इस समय आपका सफल होगा। लेकिन काल्पनिक समस्याओं से, बेवजह की मानसिक समस्याओं से अगर आप बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। सिंह राशि, नौकरी की स्थिति में आपके सुधार हो रहा है, तनाव थोड़ा कम दिख रहा है। आपके परिवार में शुभ और मंगल कार्य के योग भी फिलहाल बने हुए हैं। इस समय आपको आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, सेहत के मामले में दिक्कतें हो सकती हैं, और परिवार में बेवजह की झड़प, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। दिन को बेहतर करने के लिए, अपने गुड लक को बढ़ाने के लिए अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा सिल्वर, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य कम होगा। बात करते हैं तुला राशि के दैनिक राशिफल की। इस समय नए काम की शुरुआत हो सकती है, आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। आपके परिवार से जुड़ी हुई जो तमाम समस्याएं हैं वो इस समय हल होती हुई दिखाई दे रही हैं, और इस समय कोई शुभ सूचना भी आपको मिलेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, बहुत सारी व्यस्तता आपके लिए दिखाई दे रही है, हालांकि व्यस्तता में आपको लाभ होगा, कोई नया अवसर भी आपको प्राप्त होगा। इस समय बेवजह की चिंताएं मत करें, चीजें आपकी बेहतर हो रही हैं और आगे भी बेहतर होती चली जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
80%, काफी ज्यादा अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में कोई बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी, किसी बड़ी सफलता के योग हैं, धन लाभ के सुंदर योग भी आपके लिए बन रहे हैं। आपके शत्रु और आपके विरोधी इस समय परास्त होंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर सबसे ज्यादा नंबर आपको दे रहा है 90%। बात करते हैं मकर राशि की। ध्यान रखिए, इस समय पैसे का नुकसान हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, सावधान रहें। उच्चाधिकारियों के साथ आपके बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, इसलिए दिन को बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा भाग्य कम रहेगा। कुंभ राशि, संतान पक्ष की उन्नति दिखाई दे रही है, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा, थोड़ा सा समय पूजा उपासना साधना में दें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं, इस समय नौकरी का नया अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है और संतान पक्ष की तमाम चिंताएं दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग है आपका धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।